माल तैयार होके आया है जी, एक ये प्रेस मशीन तैयार हो गई है जी, तैयार कर लिया है जी। लो जी ये मशीन चलना शुरू हो। हाँ ये तैयार हो रहा है जी, रूला गीजर बन रहा है। ये हो गया गोल, अब इसे हम टांकियाँ लगाएंगे ताकि वो सही हो, बराबर रख के वेल्डिंग करेंगे इसे। और बाकी ये पीस हमारे तैयार, ये तैयार हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा पीस बिल्कुल तैयार है। पकड़ो जी, ये हमने वेल्डिंग कर दी है जी। ये हो रही है जी कटाई, स्लो स्लो चल किधर। नहीं नहीं कटे जाएंगे, ये ले जी, ये तैयार होना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये गोल बड़ा गोल, बाकी है ये हमने चौरस से। ये गीजर हमारे बिल्कुल गुलाई पे तैयार हो गए। एक एक्सपेरिमेंट किया है जी रात को और माशाल्लाह कामयाब हो गए जी। फर्मा तैयार किया है और ये है जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, प्रेस भी चल पड़ी है जी, उससे हमारा लेवल भी बन गया। ये देखो जी, ये लो बिल्कुल गुनिए के बराबर, बराबर पैमाइश के बराबर ये हल। चलो जी कटिंग हो, ठीक है जी। ये भी हमारी पथरी है जी जिसपे हमारा गीजर खड़ा होगा, गीजर के ऊपर वाले कवर है। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। इसके अंदर की पट्टी तैयार हो गई है, ये डबल बॉडी गीजर जिसका फर्स्ट कवर आपको मैंने दिखा दूंगा, ठीक हो गया। ये इसकी देख रहे हैं पट्टी, इसके अंदर की सारी अभी करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पहले पानी डाल के चेक कर लेंगे ताकि बाद में लीकेज का इश्यू ना बने। फिर बाद मुकम्मल की हम करेंगे। इसका बाद ऊपर वाला कवर जो वेल्डिंग किया है वो भी दिखा देते हैं आप। बोल जी, अभी इसका ऊपर वाला कवर है, ये देख सकते हैं, इसकी कटिंग कर दी इधर, इसका जलाने वाला आंसर आ गया। फिर ये इसका कवरेज, इसका मटीरियल चेक करने, इसकी गेज 10 गेज में तैयार हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तैयार होगा तब आपको सारी इसकी पिंच। गाइस ये एक रोल है, ये सारा गीजर के अंदर लगेगा जी ताकि इसे ना पानी ठंडा ना हो। चलो जी इफ्तिताह करो जी इसका। ये लीजिए, ये जी कटिंग होगी इसकी, तो ये हमने रोल रखा है जी। ये लीजिए खोल दो जी, खोल दो, ये ठीक हो गया। बस जी अब निशान लगाओ जी इसके ऊपर, फिर उसी साथ पैमाइश होगी। लो जी गाइस जी हमारी अब कटिंग निशान के मुताबिक सही है जी, ठीक है बिल्कुल सही है, सही है, ऐसे आती रहेगी इसकी कटिंग। तो ये लगना है गीजर के अंदर। ये हमारी अब कटिंग मुकम्मल होने जा रही है, ये इसकी कटिंग पूरी होगी, ठीक है जी। बाकी वो गीज़र सामने खड़ा है, ये अब इसकी पैमाइश के मुताबिक से इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे जी। ये धागा जी, ठीक है जी। ये लो जी ये सारा अब कवर हो चुका है, ठीक है जी, इसी तरह नीचे तक जाएगा। ये जो गीज़र है ये वाला लकड़ियों वाला बड़ा फुल साइज़ का ही कूलर है,
और सॉरी कूलर कह दिया गीज़र है, ये इसकी लेंथ है। ये हमारे बाकी गीज़र भी तैयार होने वाले हैं जी, तकरीबन तकरीबन ये अपने ना आखिरी स्टेज पर हैं। ये देखो जी, गेट भी हमारे तैयार हैं, बाकी उसकी वीडियो भी बना के दिखाएंगे आपको। तो जी गाइज, ये हमारा सारा चारों तरफ से कवर हो चुका है, बाकी ये जो ऊपर वाला पीस पड़ा है इसके ऊपर आएगा। लो जी, लेके आओ भाई जाने से। अब ये वाला जो निज़ाम है इसके ऊपर आएगा बस। ऐसे ठीक हो गया गाइस। थोड़ा मेरे लिए घुमा, मेरे लिए घुमा, इधर मेरे लिए घुमा, घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा, बस आने थले बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना लेवल का। लो जी, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ लो गाइस, ये हमारा सारा इसके ऊपर फिट बैठ गया है। ये देखो और गाइस, ये सारा पीस अपनी जगह में बैठ गया, ठीक हो गया जी। ये इसका अब लेवल चेक हो रहा है जी, ठीक हो गया जी। सर ये एक्स्ट्रा पीस कटिंग हो रहा है, एक्स्ट्रा पीस। अब ये इसका कवर है जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मैं अपना वो गीजर तैयार हो गया डबल पार्टी का, वो देखा आपने, बना के सेंड किया ना। अब इसी तरह बिजली वाला भी डबल पार्टी में तैयार किया जा रहा है। ये इसका ऊपर वाला ढक्कन है, इसकी मुकम्मल कवरिंग है। अब इसमें फिलिंग के लिए हम ग्लास फुल यूज़ करते हैं, ये इंटरनेशनल शीटें हैं जो हीट अब्जॉर्बर होती है, ये वाली है, ये शीटें हैं। और इसमें पेन वगैरह लगा के हमने ओके करके वेल्डिंग। चलो हम बोल, चलो तो कटाई करें ना, ठीक हो गए। हाँ जी, ये जो शीटें हैं काट लो भाजी, पोज में ये जी अली साहब, और ये जी ए, अली साहब के। लो जी, ऐसे इसकी पैमाइश के मुताबिक कटिंग हो जाएगी और इसके कवर हो जाएगा सारा रोल। ये हमारा छोटा गीजर भी तैयार है, लाओ जी। अब ये इसके ऊपर कवर कराएंगे, इससे ये होगा कि ये हमारा सेफ भी हो जाएगा और ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा। ये लो जी, ये बैठ गया, ये कवर हो गया इसमें। अब इसमें हमने ना फिटिंग करनी, इसमें से कवर लगा के ये सारा पीस तैयार हो गया। वेलकम टू माई YouTube व्लॉग, कैसे हैं जी? आज हम करने जा रहे हैं मास्टर का पेंट, लोकल नहीं ब्रांड है जी। हम ये रंग है जी बीज कलर, ये अब इसकी तैयारी कर रहे हैं जी अभी। ये लो जी हमारा बनेगा अब रंग, ये लो जी। लो गाइस, ये कलर हमारा तैयार है, अब इसे हमने डालना है पेट्रोल। ये लो जी गाइस, ये हमारा कलर है, पेट्रोल, ताकि जल्दी खुश्क हो जाए। ये लो जी, अब इस पेट्रोल इसकी एवरेज अच्छी आएगी। ये लो गाइस, ये हमारा कलर बीज कलर तैयार हो गया है, अब इसकी तैयारी होगी। अच्छा कलर बन गया ये वाला, ये हमारा जो कलर वाला ये स्पेशली हमने लिया है, नारोवाल से मंगवाया स्पेशली हमारा। ये देख, हमारे घर जाने का टाइम हो गया, ये सारा कलर इंशाल्लाह ना मिनटों में हो जाएगा। ये लो गाइस, ये हमारा बिल्कुल पीस गीजर रंग की वजह से तैयार है, बहुत प्यारी शाइनिंग आई है इस पर, साफ सुथरा एक जैसा सारा कलर हो गया जी। बाकी मास्टर का पेंट कैसा जी अहमद भाई? मास्टर भी मास्टर है, बगैर टोकन के। ये अब दोनों सेम सेम पीस एक रंग के तैयार हो गए। ये लो फाइनली, ये आखिरी पीस है जी, और ये आखिरी मराहल में पहुंच गया पीस, ये हमारा फुली फुली कलर हो गया। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा अब कलर बिल्कुल, ये देखो जी तैयार हो गया फ्रेश कलर। क्योंकि ये पीस तैयार रात को ही हो गया था, लेकिन इस मशीन ने मैं बहुत तंग किया, रात को चल नहीं रही थी। अब वही मशीन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, ये देखो रंग कितना प्यारा हुआ।
ये लो जी पर्पल कलर, बड़ा ज़बरदस्त कलर है ये भी। बाकी आपको थोड़ा सा ऐसे शाइन कर देते हैं। अब इसकी लुक चेक करो जी कलर की है। हाँ एक ये देखो दोनों कलर में डिफरेंस देखो जितना बार। आपको कैमरे में लग रहा है रॉयल ब्लू लेकिन ये है पर्पल कलर। ये हमारे चार पीस तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, डार्क पर्पल, लाइट प्लम कलर, पेज कलर और ये हमारा रॉयल ब्लू कलर। फ्रेश बड़ा फ्रेश कलर। बाकी रंगों पे खर्चा भी है लेकिन इसका दो दो कोड करने पड़ते हैं। ये मास्टर पेंट एक दफ़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त साइज। ये हमारे पीस तैयार हैं, बाकी हम ये से कलर करने लगे हैं। रियल में ना असल अपनी लुक है वो बहुत प्यारी है। हाँ आपको इसका रिजल्ट इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ इसकी खूबसूरती मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कलर है। एक चक्कर में ही सारा पीस ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन, दूसरे कोड लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सर्दी बहुत है जी गाइस, अभी मैंने कोट तो नहीं पहना अदरवाइज बहुत ठंडा मौसम है। हेलो गाइस, फुल फ्रेश रॉयल ब्लू ये हमारा पीस से आ रहे हैं। ठीक है जी, मिलते हैं बाकी आपको सुबह। ये हमारे अब गीज़र बिल्कुल तैयार हैं और अपने आखिरी मराहल पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है जी, अब ये इसी हिसाब से सारे तैयार हो गए हैं। अब ये इसके ऊपर मोनोग्राम लगे हैं और ये इसके ऊपर मीटर लगेगा, टेम्परेचर बताएगा जी ये कितना है जी, 0 है, 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, बताएगा गर्म कितना पानी। ये इसके ऊपर मुँह के ऊपर रबड़ लगा रहे हैं, देखिए। फिर इसके बाद सुराख होंगे जी ड्रिल मशीन के साथ। ठीक है, जबरदस्त। ब्रांड का स्टिकर भी लगा देना हो जाए मदेशिया के नाम का, वो तो सर सबसे पहले लगाना हमने क्योंकि उसके बाद तो कोई इसकी पहचान ही नहीं है। दो जी कुर्सी में से वो भी ये तो टॉप पे लगा दो, ये भी लगा के हम इसके साथ तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो इसके ऊपर हमें लगाने में शॉप लगा के ये मार्केट में
फुल पैकिंग के साथ पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद गेज मीटर इंस्टॉल होगी इस पर। ये गेज मीटर इंस्टॉल होने के प्रोसेस स्टार्ट हो गया।